अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रमज़ान रेसिपी में आज हम बनाने वाले हैं पोटैटो ब्रेड रोल। तो चलिए बनाते हैं। ब्रेड रोल बनाने के लिए हम यहाँ पर ब्रेड ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। उसके बाद में हम 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को उबाल लेंगे और इस आलू को इस तरह से हम मैश करके रख लेंगे। अब सबसे पहले हम ब्रेड की स्लाइस लेकर इसकी कॉर्नर कट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है, आप चाहें तो सैंडविच ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से चारों कॉर्नर हमें कट कर लेना है ब्रेड के। इसी तरह से सारे स्लाइसेस कट कर लेंगे हम कॉर्नर। अब हम मैश किया हुआ आलू ले लेंगे। सबसे पहले हम इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज मिला देंगे। अब हम इसमें नमक मिलाएंगे 1/2 चम्मच, या फिर आप स्वादानुसार नमक इसमें मिला दीजिए। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर मिला देंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। आधा चम्मच धनिया पाउडर मिलाएंगे। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर मिलाएंगे। 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर मिलाएंगे। 1/2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट मिला देते हैं। और लास्ट में हम यहाँ पर 2 से 3 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिलाएंगे। इन सारी चीज़ों को हम आलू में मिक्स कर लेंगे। आलू का मिक्सचर हमारा बनकर रेडी है। अब नेक्स्ट हम ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे। यहाँ पर एक बाउल में मैंने पानी लिया है, थोड़ा सा पानी ले लेंगे बाउल में। अब हम ब्रेड की स्लाइस लेकर पानी में इसे डिप करेंगे। डिप करने के बाद में इस तरह से इसे हथेली पर रखकर इसका सारा पानी निकाल लेंगे। हल्के हाथों से दबाते हुए हम ब्रेड में से पानी निचोड़ लेंगे। अब इस गीली ब्रेड के ऊपर हम हमारा आलू का मिक्सचर रख देंगे। आलू का मिक्सचर रखकर ब्रेड को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ब्रेड हमारी गीली है तो इजीली ये शेप में आ जाएगा। जो भी शेप आप देना चाहते हैं वो शेप यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से इसे हथेली से गोल गोल घुमाते हुए हमें ओवर शेप देना है। तो ये देखिए हमारा ब्रेड रोल बनकर रेडी है। अब इसे हम एक ट्रे में रख देते हैं। इसी तरह से हम सारे ब्रेड रोल बनाकर रेडी कर देते हैं। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ब्रेड की स्लाइस लेना है, बस हमें इसे पानी में डिप कर लेना है। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि अगर थोड़ी भी ज़्यादा देर हमने अगर ब्रेड की स्लाइस को पानी में डिप करके रखा तो ब्रेड हमारा टूट जाएगा।
तो बस इसे डिप करके फ़ौरन निकाल लेना है। इस तरह से हथेली से इसे निचोड़ कर पानी निकाल लेना है और ब्रेड आलू के मिक्सचर को इसके ऊपर रख कर इसे फ़ौरन हमें बंद कर लेना है। चारों तरफ से इसे अच्छे से हमें कवर कर लेना है, नहीं तो ये तलते वक्त टूट जाएंगे और सारा जो हमारा है आलू की जो फीलिंग है बाहर आ जाएगी। इसी तरह हल्के हाथों से दबाकर इसे शेप दे देना है। इस तरह से सारे ब्रेड रोल हम बना कर रख देते हैं। अब सब में इम्पोर्टेंट काम, इन ब्रेड रोल को हमें फ़ौरन तलने के लिए नहीं लेना है, इसे हम आधे घंटे के लिए सूखने देंगे। इसे सूखने के लिए हम फैन के नीचे रख देंगे। ऐसा हमें इसलिए करना है क्योंकि ब्रेड रोल हमारे अच्छे से सूखेंगे तो ये तलते वक्त कम तेल एब्जॉर्ब करेंगे और बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। आधा घंटा हमारा हो गया है, मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है, अब हम ब्रेड रोल ले लेंगे। अब इन ब्रेड रोल को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इन्हें अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। जितना देर आप इन ब्रेड रोल को सुखाएंगे ना ही ये कम तेल एब्जॉर्ब करेंगे तलते वक्त और उतने ही क्रिस्पी बनेंगे। ब्रेड रोल में हमारा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और ये काफ़ी क्रिस्पी भी बने हैं। अब इन ब्रेड रोल को हम टिश्यू पेपर पर निकाल कर रख देते हैं। देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं हम टिश्यू पेपर पर। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसी तरह से हम सारे ब्रेड रोल फ्राई करेंगे। एक बार में 2 से 3 ही ब्रेड रोल हम फ्राई करेंगे, नहीं तो हमें ये तलते वक्त ठीक से हमें इसे पलटाने नहीं आएगा और इस अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे। तो इसे हमें पलट पलट कर चारों तरफ से अच्छा फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। बच्चों को तो ये ब्रेड रोल काफ़ी पसंद आते हैं तो इन्हें आप ये स्नैक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इन ब्रेड रोल को आप हरी चटनी के साथ या फिर टोमेटो सॉस के साथ टेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।